हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2024 जेई एडवांस पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। लेट आर स्क्वायर डिनोट आर क्रॉस आर, लेट एस इक्वल टू ए बी सी सच दैट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ये एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर माइनस 0.0, then which of the following statement are true? इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं आपके सही हैं वो आपको यहाँ पर चेक करना है, राइट? तो यहाँ जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है वो दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ये टू वेरिएबल की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो पैराबोला जो बनेगा अपवर्ड द एक्स एक्सिस बनेगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना, और एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है ना, अपवर्ड पैराबोला बनेगा और एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से आप पूरी एक्सप्रेशन को जो है डिवाइड कर दें, यह मिल जाएगा आपको। तो यह आप कह सकते हो एक्स ए एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस टू बी एक्स बाय वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? अब एक्स बाय वाई को अगर आप टी कंसिडर कर लो तो ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो आपको यहाँ पर मिल गया। अब ये सिंगल वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है? अब सिंगल वेरिएबल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके लिए टी बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका, आर हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर देखो आप, इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि ए ग्रेटर देन जीरो होगा और बी जो है वो लेस देन जीरो हो। ये एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, और यहाँ टी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ से क्या पता लगेगा कि आपका ए जो है ग्रेटर देन जीरो होगा और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ए ग्रेटर देन जीरो हो गया और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर लेस देन ए सी। तो दो रिजल्ट आपके पास ये निकल गए, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी स्क्वायर लेस देन ए सी। अब ऑप्शन ए आप चेक करो, यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ ए आपका ट्रू है, यानी कि ए जो है ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद आपको करना है बी स्क्वायर लेस देन ए सी। तो बी स्क्वायर आप करोगे तो सेवन बाय टू का स्क्वायर और लेस देन आप करोगे ए ओ सी, यानी कि टू इंटू सिक्स यानी कि ट्वेल्व हो जाएगा। तो ये 49/4 लेस देन 12, यानी कि 49 लेस देन 48। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया कि साहब ऑप्शन ए तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट नहीं, ठीक है? अब आती है ऑप्शन बी की बारी। ऑप्शन बी को हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन बी में क्या होगा यहाँ पर, ठीक है? तो ऑप्शन बी में आपको दे रखा है ए की वैल्यू 3 है, यानी कि ए ग्रेटर देन 0 है, ओके, बिल्कुल सही बात है। और आपको दूसरा चेक करना है बी स्क्वायर लेस देन ए सी होना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर लेस देन 3/12 यानी कि 1/4, ठीक है? अब यहाँ से आप देखोगे तो आपका मॉडुलस ऑफ बी इज लेस देन 1/2, यानी कि मॉडुलस ऑफ ट्वाइस ऑफ बी इज लेस देन 1 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या आ गया, करेक्ट आ गया। अब ऑप्शन सी चेक करेंगे हम, फॉर एनी गिवन ए बी सी बिलोंग्स टू एस देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 एंड बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 एज अ यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन का मतलब हो गया ये दोनों लाइन की इक्वेशन है, एल वन और एल टू, ये दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है? तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट
इंटरसेक्ट करेगी तभी ये क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो कंडीशन क्या होगी, इंटरसेक्शन की कंडीशन आप लगा दोगे यहाँ पर। आपको चेक क्या करना है, ए ग्रेटर देन जीरो चेक करना है और बी स्क्वायर लेस देन ए सी चेक करना है। तो यहाँ पर आप जो है लगाओगे ए बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी बाय सी, यानी कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि आपका क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपने क्या करा है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि आपका स्लोप अनइक्वल होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इनके कोफिशियंट का रेशियो करा है, बी बाय ए इज नॉट इक्वल टू ए बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी बाय सी आ गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये इसके इक्वल नहीं है, बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि ये कंडीशन सही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो सही है। ऑप्शन डी आप चेक करोगे, फॉर एनी गिवन वैल्यू ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो आपको लीनियर इक्वेशन दे दी, दो लाइन की इक्वेशन दे दी यहाँ पर, इसमें भी पूछा है कि लीनियर इक्वेशन होगा क्या। तो यहाँ पर आपको कंडीशन यही दे रखी है कि ए ग्रेटर देन जीरो है, बी स्क्वायर लेस देन ए सी है, ये रिजल्ट अपना निकला था। तो यहाँ से आप चेक करोगे ए प्लस वन डिवाइड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस वन, ये क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस वन सी प्लस वन इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि क्या दिया हुआ है, आपको बी स्क्वायर लेस देन ए सी दे रखा है, तो ये लेस देन किसके होगा, अगर इसमें ए प्लस वन सी प्लस वन करूँगा तो इससे ये छोटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको ये पता लग गया कि इसका भी जो है यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन भी जो है आपका क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन डी भी जो है आपको करेक्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये कंडीशन आ गई, इससे आपको पता लग गया कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी सी डी, ए ऑप्शन सही नहीं है, बी सी डी ऑप्शन आपके यहाँ सही है। तो बी सी डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।